हेलो गाइस, आई एम विवेक सैनी, स्वागत करता हूँ अपने चैनल ड्रीम कार्स कम ट्रू में। स्वाद हमारे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की आने वाली सबसे ज़्यादा प्रीमियम एमपीवी, जिसका नाम है XL6। और ये आप इसका देख रहे हैं वेरिएंट अल्फा प्लस, जो कि सबसे ज़्यादा टॉप एंड लाइन वेरिएंट है, जिसमें आपको कई सारे फीचर्स जैसे कि आपको 360 व्यू कैमरा, साथ ही साथ वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह भी, और न्यू डायमंड कट जो आपको मशीनरी कट में आए हैं, अलॉय व्हील्स जो आप देख रहे हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इस गाड़ी में देखने को मिलता है, ओवरऑल सब कुछ ओवरऑल वीडियो में बात करेंगे। और साथ में साथ सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर LED पूरा सेटअप जो कि काफ़ी गजब लग रहा है। इन सब के बारे में लोग बात करेंगे, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो पर देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको उस प्रकार का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सुजुकी का लोगो कम्प्लीटली, जो पूरा यहाँ पर क्रोम का डिज़ाइन देखने को मिलता है। पुरानी वाली XL6 थी, नीचे आपको देखने को नहीं मिलता ये क्रोम की लाइन, बट ये जो आई 22 फेसलिफ्ट वाली 2022 वाली, इसमें आपको ये देखने को मिल जाता है कम्प्लीटली। और देखने से काफ़ी ब्रॉड लगती है, सुजुकी का सबसे बड़ा लोगो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट के MPV में ही दिया गया है। नीचे आपको देखने को मिल जाता है जो कि फ्रंट में कैमरा, हाँ भाई ये 360 डिग्री कैमरा वाली है जो मैंने आपको बताया कम्प्लीटली। तो भाई ये थी फ्रंट की बात। फ्रंट में ये सब आपको देखने को मिल जाता है, पूरी क्रोम जो मैंने अभी आपको दिखाया। बात की LED लाइट्स की, इसके जो आपको फ्रंट लाइट देखने को मिल जाती है, ये दिख रहे हैं आपको लाइट्स पूरी, आपको यहाँ पर क्वाड LED सेटअप देखने को मिल जाता है कम्प्लीटली। पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है LED सेटअप, DRL यहाँ देखने को मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर हैलोजन देखने को मिलता है पूरा सेटअप। और नीचे आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर फॉग लैंप, ये भी आपके LED में ही देखने को मिलते हैं। तीन वेरिएंट्स गाड़ी के आपको देखने को मिल जाते हैं, जेटा, अल्फा और अल्फा प्लस, जो कि टॉप वेरिएंट अल्फा आपको अल्फा प्लस यहाँ देखने को मिलता है। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है इस वाले वेरिएंट को, पहले सिर्फ दो ही वेरिएंट्स में आते थे, जेटा और अल्फा। ये अल्फा प्लस वेरिएंट है कंप्लीट टॉप। फ्रंट में आपको ओवरऑल उस प्रकार का देखने को मिल जाता है। एक बार और साइड से आपको लुक दिखाता हूँ, ये ओवरऑल इसका फ्रंट का लुक है। बात किया है ओवरऑल इसकी विड्थ की, आपको देखने को मिल जाती है 1775 mm की कम्प्लीटली, जो कि फ्रंट से काफ़ी हैवी लगती है। अगर भाई ये 6 सीटर करके लंबी ना बताते, फिलहाल मारुति आपकी कोई SUV कार नहीं बनाता है, कॉम्पैक्ट SUV में उसकी सिर्फ आपको ब्रेजा मिलती है, बट अगर बात किया है तो भाई SUV से कम नहीं लगती है इनकी XL6, जो कि आपको MPV देखने को मिलती है। 1775 mm की इसमें विड्थ देखने को मिल जाती है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी कम्प्लीटली। और ये जो फ्रंट में आपको देखने को मिल रहे हैं हेडलैम्प कम्प्लीटली LED वाले, पूरे आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अंदर इसका आपको कंट्रोल भी दिखाएंगे। फ्रंट में आपको देखने को मिल जाते हैं दो वॉशर यहाँ पर, एक ये एक वो, और बाकी दो वाइपर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग देखने को नहीं मिलते हैं कम्प्लीटली। और साइड की बात की है तो साइड में आपको उस प्रकार का लुक देखने को मिलता है। दूर चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। ये ओवरऑल साइड का लुक है कम्प्लीटली, काफ़ी तगड़ी लगती है भाई। अर्टिगा से बात की जाए अगर प्रीमियमनेस और लुक में, भाई लाखों गुना ऊपर है, इसकी बात ही अलग है। अर्टिगा देख लीजिए, ये देख लीजिए इसकी लंबाई, इसका जो रोड प्रेजेंस है कम्प्लीटली, जो इसका लेवल है, जो औहदा है इसका, वो अलग ही है XL6 का। तो भाई काफ़ी अच्छी यहाँ साइड से लगती है। बात की है पास चल के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं आपको, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर कम्प्लीटली। ओवरऑल नीचे टायर साइज़ की बात की है तो यहाँ पर आपको MRF का टायर देखने को मिल जाता है, मशीनरी कट डायमंड कट में आपको देखने को मिल जाते हैं। R16 195/60 का यहाँ पर अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि डायमंड कट में देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक के साथ कम्प्लीटली काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्लैडिंग ब्लैक वाली आपको ये फ्रंट वाली देखने को मिलती है एंड तक गई है। फेंडर पर यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है क्रोम की लाइन के साथ, बिना किसी इंडिकेटर के, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई ये ओवरऑल हो गया यहाँ का साइड का लुक कम्प्लीटली। पीछे से दिखाता हूँ ये कम्प्लीटली, आगे से लेकर पीछे धीरे से कैमरा घुमाते हुए, काफ़ी तगड़ी और काफ़ी लंबी लगती है। और ये साइड साइड यहाँ पे जो क्रीचर्स दी गई हैं, लाइनिंग्स दी गई हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ बनाई गई हैं। नीचे आपको स्ट्रीट प्लेट देखने को मिल जाती है, क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिल जाता है डोर पर, तो मतलब प्रीमियमनेस की भाई भर भर के अब की बार दिया गया है। पहले भी अच्छी थी, अब तो और ज़्यादा चार चांद लगा दिए गए गाड़ी में। यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड में भी सेंसर देखने को मिल जाता है, ड्राइवर साइड में मिल जाता है, अभी चल के आपको दिखाऊंगा कम्प्लीटली। और यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है फ्यूल टैंक, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में देखने मिलती है। स्क्रीन पर इसका आपको कैपेसिटी मेंशन हो रही है, तो कुछ प्रकार के देखने को मिल जाती है। व्हील मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पुरानी वाले से। रियर से आपको दिखाता हूँ कम्प्लीटली क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। तो भाई ये है आपका रियर का व्यू XL6 अल्फा प्लस टॉप वेरियंट का। यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है सबसे पहले तो वाइपर यहाँ पर देखने मिल जाता है, डिफॉगर देखने मिल जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस वेरियंट में आपको देखने मिल जाता है ये स्पॉइलर, जो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको वॉशर के साथ साथ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर वगैरह ये आपको देखने मिल जाती है पूरी LED में। टेल लैम्प्स जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। चार आपको यहाँ पर बल्ब्स देखने को मिल जाते हैं कम्प्लीटली। ये पूरा आपको थोड़ा स्मोक सा देखने को मिलता है कम्प्लीटली, चेंज कर दिया गया पहले से। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग लैम्प भी देखने को मिलता है, क्रोम का पूरा फिनिश देखने को मिलता है। ओवरऑल XL6 की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि ये है सुजुकी की बैजिंग। पूरा यहाँ पर पियानो ब्लैक का फिनिश देखने को मिल जाता है, नेक्सा की वहाँ पर बैजिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग अभी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है कम्प्लीटली। नीचे यहाँ पर पूरा आपको लाइट ग्रे कलर में रिफ्लेक्टर, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ साथ
तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आप जो ज्वेलरी है, जो कॉस्मेटिक व्यूज है, काफ़ी अच्छे इसमें देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं जरा ड्राइवर साइड में कुछ प्रकार से, पीछे से एक बार यहाँ साइड दिखाता हूँ। ग्लॉस देखिए, चमक देखिए गाड़ी की, क्या लग रही है। यहाँ से बिल्कुल ऐसे आते हुए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है सेंसर, जो कि ड्राइवर साइड में है। तो ये ओवरऑल इसका आप लुक देख रहे हैं कम्प्लीटली, काफ़ी लंबी सी देखने को मिलती है। और यहाँ पर बात की जाए इसकी लेंथ और हाइट की, तो यहाँ पर 45 mm की यहाँ पर हाइट देखने को मिल जाती है, लेंथ आपको देखने को मिल जाती है कम्प्लीटली 45 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी है ओवरऑल। भाई नंबर की तो बात ही नहीं, देख के इतनी बड़ी लगती है। बात की जाए ओवरऑल इसके व्हील बेस की, 2740 mm का इसमें आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख रहे हैं ओवरऑल ये कम्प्लीटली आपको व्हील बेस देखने को मिलता है, जो कि 2740 mm का है कम्प्लीटली ओवरऑल। तो ये भाई बात हो गई बाहर बाहर की, जो कॉस्मेटिक व्यू है, कॉस्मेटिक व्यू ने ही आपका दिल जीत लिया होगा आई होप सो। चलते हैं इसके अंदर चल के क्या क्या जो नए फीचर्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सो भाई डोर को ओपन करते हैं, तो डोर में वही पूरी ब्लैक फिनिश, यहाँ पर थोड़ा वुडन टच देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखने को मिल जाता है पूरा आपको मेटल में, पूरा मतलब शेड वाला क्रोम। ट्विटर यहाँ देखने को मिल जाता है, स्पीकर यहाँ देखने को मिलता है, बॉटल होल्डर, थोड़ी यहाँ पर मैगजीन वगैरह, और यहाँ पर थोड़े कॉइन स्टोरेज। यहाँ पर ऑटो फंक्शन के साथ आपको देखने मिल जाती है पावर विंडो, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड की लॉक अनलॉक, और बाकी यहाँ पर देखने मिल जाता है पूरा कंट्रोल आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए, मिरर लेफ्ट राइट करने के लिए भी देखने को मिल जाते हैं। लीवर पे पूरी आपकी क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है कम्प्लीटली, तो कुछ प्रकार का आपको ड्रोर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हाइट एडजस्टर वाली आपको सीट्स देखने को मिल जाती है कम्प्लीटली, जो कि आप देख रहे हैं नीचे हो रही है, ये करके अप कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल भी हो जाता है। और पूरी आपको लेदरेट सीट्स देखने को मिल जाती हैं कम्प्लीटली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ दोनों सीट देखने को मिलती है। और ध्यान से अगर आप यहाँ देखेंगे, जो आपको छेद देखने को मिल रहे हैं कम्प्लीटली वेंटिलेटेड सीट्स के छेद आपको देखने को मिलते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स साथ देखने को मिल जाती है। और बैठ के अगर देखते हैं गाड़ी में, यहाँ की बात करते हैं जिसके पीछे सब लोग दीवाने हैं, ऑटो ऑन ऑफ के बाद यहाँ पर व्यू मतलब कि 360 डिग्री कैमरा के साथ आपको देखने को मिल जाती है। ये आपका अल्फा प्लस वेरिएंट में आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ बटन देखने को मिल जाता है, बीम का लेवलर देखने को मिल जाता है, कितनी भी आपको चाहिए जो कि 5 तक की गई है कम्प्लीटली ओवरऑल। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ देखने को मिलता है ओवरऑल, साथ ही साथ यहाँ पर पूरी वुडन फिनिश, और ये पूरा आपका देखने को मिल जाता है सिल्वर में। डैशबोर्ड एरिया की बात किया तो यहाँ पर डैशबोर्ड कुछ प्रकार का देखने को मिल जाता है ओवरऑल, 4 इसमें एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, और बाकी सेफ्टी फीचर आपको स्क्रीन के नीचे शो हो रहे होंगे। बंद करते हैं इसके डोर को, ये हुआ सन्नाटा भाई, बंद करते हैं भाई, ये करते हैं क्लस्टर को ऑन, ये हैंडल करते हैं सीधा, ये आते हैं अंदर यहाँ पर, तो कुछ प्रकार का आपको देखने मिल जाता है, बता रहा है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्लच दबा के। तो भाई यहाँ पर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है 220 तक की स्पीड के साथ साथ, और यहाँ पर देखने को मिल जाता है टैकोमीटर, जो कि आपका 8000 RPM साथ आता है। अरे ये लो भाई पंखा चालू हो गया, और नीचे डाउन बिल्कुल, हवा हवा ठीक है, बाद में लेते रहेंगे, लेकिन भाई लोगों को वीडियो इतनी गर्मी में देना है। तो भाई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भाई, आपके लिए इतना सब कर रहा हूँ, थोड़ी तो भाई हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट करें हमें। तो ये हो गया आपका कम्प्लीटली, बीच में आपको देखने मिल जाता है बाकी सारे आपका जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है MID टाइम वगैरह। 32 डिग्री सेल्सियस दिखा रही, किस हिसाब से भाई दिखा रही है, यहाँ पसीने की लाइन लगी है, 32 डिग्री दिखा रही है। बाकी यहाँ पर 10 का एवरेज दिखा रही है सब जो होगा, लेकिन बट 10 का एवरेज तो बिल्कुल ही नहीं देती कहीं से भी ओवरऑल, कम्प्लीटली देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से कम्प्लीटली यहाँ पर कर सकते हैं चेंज वगैरह, मोड के यहाँ कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए, यहाँ पर आपको पूरे वाइपर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कंप्लीट लाइट के, जो कि ऑटो हेडलैम्प है, मैंने बताया था बार आपको दिखाऊंगा, तो ये आपको देखने को मिल जाता है ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल। स्टेयरिंग व्हील वही डीकट वाला देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ग्रे कलर की आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मैट में है फिनिश। कॉल रिसीव एंड कट के टेलीफोनी के पूरे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसके साइज़ की, मतलब कि ये कितना होता हो अप डाउन, सॉरी ये टिल देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं देखने को मिलता, टेलीस्कोप मिल जाता भाई भाई देख सकते हैं आप, ये तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है ऊपर करके, नीचे से लीवर करते हैं बंद, तो ये सब फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसके स्टेयरिंग में डीकट के साथ। काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी देखने को मिल जाता है ओवरऑल कम्प्लीटली। और यहाँ पर पूरी वुडन की फिनिश यहाँ देखने को मिल जाता है आपको, हजार लाइट का बटन, ये पूरी लाइनिंग आपको देखने को मिल जाती है, ये एसी की डिज़ाइन आपको अर्टिगा में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल बड़ा डैशबोर्ड एरिया है, और सबसे पहले जो हमारे सबसे अच्छे फीचर्स है भाई उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम करके दिखाते हैं 360 व्यू कैमरा, तो भाई ये आपका देखने को मिल जाता है कम्प्लीटली 360 व्यू कैमरा ओवरऑल, जो इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ प्रकार से। यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये आपका देखने को मिल जाता है पूरा फ्रंट का एरिया, आप जो देख रहे हैं सामने जो खड़ी हुई आपको देखने को मिल रहा है कम्प्लीटली, ये फ्रंट का एरिया आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओवरऑल आपको देखने को मिलता है गाड़ी के साइड का एरिया, इधर साइड आप देख सकते हैं ये एविएटर खड़ी हुई है, तो एविएटर भी दिख रही है, सामने का पूरा एरिया दिख रहा है। यहाँ क्लिक किया तो गाड़ी के पूरा कहाँ पर खड़ी है क्या एरिया सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है ओवरऑल। और ये सेंसर्स की बात हो गई कि ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये भाई बात हो गई ओवर कम्प्लीटली। यहाँ पर क्लिक करेंगे होम पर आने के बाद, तो ये हो गया 360 व्यू कैमरा आपको दिखा दिया मैंने ओवरऑल। तो भाई नीचे ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाता है कम्प्लीटली पूरे कंट्रोल एसी के नीचे। आपको बात करते हैं वेंटिलेटेड सीट्स, ये ऑन कर दिया तो मेरी सीट्स के अंदर यहाँ पर जो छेद दिख रहे हैं आपको उनसे हवा आनी चालू हो गई है,
आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको अभी, आई होप आपने आवाज़ सुनी होगी, जो आवाज़ आ रही है फड़फड़ फड़फड़ की, हवा की आवाज़ है कम्प्लीटली, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है उस प्रकार से। और यहाँ पर आपको जो की देखने में, की हाँ आपको भूल गया था, की आपको देखने को मिलती है वही नॉर्मल वाली लॉक अनलॉक वाली स्विगी कीलेस एंट्री के साथ आती है, जिसमें बाहर आपको आपको दिखा दिया मैंने सेंसर्स आपको जो देखने मिलते हैं रिक्वेस्ट सेंसर्स, तो की को यहाँ रखेंगे। अच्छी बात ये है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कूल, यहाँ पर बॉटल होल्डर्स, यहाँ पर आपको कूल लें जो आपकी आपकी ड्रिंक्स वगैरह ठंडी रहेंगी, थोड़ी स्पेस यहाँ देखने को मिल जाती है, यहाँ की वगैरह फोन वगैरह रख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है, 12V 120W का पावर पोर्ट देखने को मिल जाता है नीचे साइड, और यहाँ पर आपको लेदर गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब ये भाई आपको दो ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है मैनुअल 5 गियर बॉक्स के साथ, और आपको देखने को मिल जाता है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो कि इसमें भी आता है, ये आपको मैनुअल दिख रहा है, जिसमें आपको अगर ऑटोमेटिक लेते हैं तो भाई एवरेज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का अंतर आता है एवरेज में, और साथ साथ यहाँ पर उस वाले में यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाते हैं अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट परचेज करते हैं तो। तो ये बात हो गई ओवरऑल इसके यहाँ पर डैशबोर्ड की। नीचे आपको दिखाता हूँ ग्लव बॉक्स, डिसेंट साइड का यहाँ पर ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से कूल नहीं है, और नीचे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर स्पीकर, वो आपका देखने को मिलता है ट्विटर। तो पूरी गाड़ी में यहाँ दो स्पीकर ट्विटर भी हैं, पीछे चल के स्पीकर भी देखेंगे कम्प्लीटली कितने स्पीकर आते हैं। थोड़ा पीछे करता हूँ मैं, स्पेस की भाई कोई कमी नहीं, लेग रूम की बात की है, हेड रूम की बात की है, गाड़ी में कोई कमी नहीं फ्रंट से। बोनट वगैरह भाई हल्का फुल्का आपको देखने को मिल जाता है, ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर लाइट के साथ देखने को मिलता है आपको यहाँ पर वाइजर, और यहाँ पर देखने को मिलता है सनग्लास होल्डर, यहाँ पर दी गई यहाँ पर नॉर्मली हेलोजन वाली लाइट्स दे देते भाई यार, इतनी प्रीमियम कर दी तो थोड़ी वो भी दे देते, LED वाली तो और अच्छा हो जाता। यहाँ पर भी लाइट्स देखने को मिल जाती है, लाइट्स कह रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको वैनिटी मिरर, इसको यहाँ पर बंद कर सकते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी दे दी भाई, बंदा पैसा खर्चा कर रहा 15 लाख के अप्रोक्स, जो आपकी ऑन रोड पड़ती है, अभी प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या प्राइस पड़ता है। तो भाई नॉर्मली डे एंड नाइट वाला दे के रखा हुआ है, तो ये थोड़े भाई कॉस्ट कटिंग की गई मारुति की तरफ से। बाकी यहाँ पर देखने मिल जाता है आपको आर्मरेस्ट, जो कि एडजस्टेबल नहीं है बिल्कुल जरा सी स्पेस की, मतलब आप मैं भाई 15 रुपये वाली फ्रूटी की बोतल नहीं रख सकता हूँ, इतनी छोटी स्पेस है। प्राइवेटली ये समझ लीजिए एडजस्टेबल आगे पीछे हो जाता है उस प्रकार से, जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है मैनुअली हैंडब्रेक, तो ये सब बात हो गई फ्रंट की कम्प्लीटली, काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको ओवरऑल डैशबोर्ड वगैरह, जो यहाँ पर पूरा कैबिन स्पेस है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। चलते हैं इसके बीच साइड क्या क्या देखने को मिलता है, तो भाई चलते हैं इसकी सेकंड रो पे। सेकंड रो पे आप काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने मिल जाता है डोर कम्प्लीटली, यहाँ पर जो यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है लेदर एड फिनिश, बाकी कुशन वाले नहीं, लेदर एड में देखने को मिलता है, पूरा ब्लैक थीम है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर स्पेस, पावर विंडो, यहाँ पर लीवर, और यहाँ बॉर्डर होल्डर के साथ मैगजीन होल्डर, और यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़ा सा विंडशील यहाँ पर ग्लास देखने को मिल जाता है, जो विंडो एरिया है सेकंड रो का कितना बड़ा, जैसे ट्रेन का जो अपना होता है ना, ट्रेन से भी बड़ा है मेरे हिसाब से ये जो देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे नज़ारे देते हुए जा सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल के साथ आपको यहाँ पर कैप्टन सीट ऑफर की आती है पूरी, ये 7 सीटर नहीं आती, 6 सीटर में आती है, जो कैप्टन सीट के साथ आते हैं ओवरऑल, तो कैप्टन सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, हाइट एडजस्टेबल सीट के साथ देखने को मिलती है, और यहाँ पर देखने मिल जाते हैं यहाँ पर हेडरेस्ट भी आपके देखने को मिलते हैं। बैठ के देखते हैं भाई, स्पेस की कोई कमी नहीं, बिना बैठे ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर स्पेस दिया गया है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल हेड पर आपको एसी देखने को मिल जाता है दिमाग ठंडा रखने के लिए, 4 यहाँ पर एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मैं जरा नीचे करता हूँ अपने साइड, एक नंबर दो नंबर ये यहाँ से अपने साइड मैंने कर लिया, भले थोड़ी गर्म हवा दे रहे हैं बट ठीक है कि मेरा सर ठंडा है, अपनी तरफ कर सकता हूँ अगर कोई बंदा नहीं बैठा है। चलो भाई बैठा है तो दो उधर कर दिए, दो अपने साइड कर लिए, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर हैंडल देखने को मिल जाता है, लेग रूम देख रहे हैं आप, ये देखिए सीट मैंने कर दी है थोड़ी ये कम्प्लीटली पीछे, अभी आगे करवा, पूरा मैंने सीट ही आगे करा दिया कम्प्लीटली, वो तो नॉर्मल पे है, ये पूरी सीट आगे कर दी, देख ली कितना है, कितना स्पेस है। मैं अगर अपनी सीट थोड़ा आगे कर लूँ कम्प्लीटली, सीट आगे करने के बाद यूँ फैल के बैठ जाऊँगा, और अगर यहाँ पर रिक्लाइन एंगल की बात की है तो मैं अगर पीछे कर रहा हूँ अपना रिक्लाइन एंगल कुछ प्रकार से, मैं यहाँ पर लेट सकता हूँ, मैं दिखा। तो भाई मैंने सीट पूरी, इस वाली सीट आप देख रहे हैं ये पूरी आगे कर दी है, नॉर्मल भी कर लेंगे तो यहाँ तक आ जाएगी, इसकी बराबर ये है और ये पूरी रिक्लाइन कर ली है। तो भाई अगर मैं स्पेस बताऊँ तो स्पेस इतना है कि आराम से मैं पैर अपने फैला करके आराम से यूँ हाथ ऊपर करके नॉर्मली यहाँ पर हेडर्स, यहाँ पर आमने से आपको देखने को मिल जाता है, हाथ रखो आराम से पूरी रात की एक नींद मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, चाहे मैं कितने भी लंबे सफ़र पे जाऊँ। बड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है ग्लास, सारे नज़ारे लेते हुए, हेड पर एसी है, ठंडा ठंडा एसी चलता हुआ, आराम से मैं कितने भी लंबे नज़ारे ले सकता हूँ इस XL6 में कम्प्लीटली। काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है ओवरऑल, लेग रूम आपको देख ही रहे हैं नीचे कितना अच्छा देखने को मिल जाता है। इधर साइड आपको सिर्फ और सिर्फ 12V का पोर्ट देखने को मिल जाता है, ये थोड़ी कमी महसूस होती है, यहाँ पर आपको थोड़ा टाइप सी के 2 पोर्ट देते तो फ़ोन वगैरह भी चार्ज हुआ था। बाकी ओवरऑल सेकंड रो में मुझसे पूछा है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलते हैं थर्ड रो में क्या क्या देखने को मिलता है ओवरऑल, सबसे पहले चलते हैं थर्ड रो के लिए। ओवरऑल मैंने सीट को आगे थोड़ा आगे कर लिया है, और ये आपको यहाँ पर लीवर देखने को मिलता है, इसको यहाँ प्रेस करें कुछ प्रकार से तो सीट ऑटोमेटिक ये इतनी पीछे हो जाती है, और बाकी आगे करने के बाद ये फुल्ली आगे कम्प्लीट, तो ये इतनी फुल्ली आगे हो जाती है कि यहाँ पर इतना स्पेस है, इतना स्पेस भाई काफ़ी देख सकते हो,
नॉर्मली यहाँ पर बंदा पैर रख के और यहाँ पर बैठ सकता है। तो भाई मैं इस समय एक्सेल 63 रो में हूँ, सीट पूरी आगे, थोड़ा उसको मैं अभी वापस इसके बराबर कराता हूँ। सो भाई 3rd रो में एक्सेल 60 में बैठ चुका हूँ, पूरा स्पेस की बात ही है, तो यहाँ पर इतना स्पेस हो रहा है, बाकी टिका भी लूँगा तो ये इतना स्पेस दब भी जाता है, मतलब पैर भी अच्छे खास सेट हो जाते हैं। मुझसे बात की है तो नॉर्मली जो अच्छे खासे हैं कि मतलब 100 किलोमीटर की बात किया तो 100 किलोमीटर तक एक्सेल 63rd रो में आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ। यहाँ पर 22 वाली रो को नीचे करके रखा गया है कम्प्लीटली, और पीछे मैं बूट खोल के दिखाऊँ कि तो फ़ायदा ही क्या है, पीछे दिखाता हूँ। नॉर्मली इतना स्पेस है जो कि 210 के आसपास आ जाता है, 209 के आसपास, अगर ये दोनों सीट जिसमें बैठा हूँ और ये जो नीचे है इसमें सामान रखा है तो ये आपको 209 210 के आसपास देती है स्पेस। यहाँ बॉर्डर होल्डर आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत, ये देखने को मिल जाता है 12V का पोर्ट, यहाँ पर भी आपको USB पोर्ट नहीं दिया गया, बॉर्डर होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हैंडल बार देखने को मिलता है, यहाँ पर लाइट देखने को मिल जाती है जो कि हैलोजन में भी है, और AC वेंट वहीं पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर 3rd रो में देखने को नहीं मिलता है। पीछे से ओवरऑल लुक आपको किस प्रकार का देखने को मिल जाता है जो आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, जूम करता हूँ मैं, उस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है ओवरऑल लुक। तो ये इसका लुक था, और भाई स्पेस की बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पीछे वाली सीट है, इसको यहाँ पर यूँ प्रेस करके यहाँ से आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर सकते हैं, और ये जो सीट है ओवरऑल आप कम्प्लीटली पीछे है, आगे मैंने कि यूँ इतना थोड़ा पीछे हो जाती है कम्प्लीटली, कैमरा हिला आप समझ गए होंगे पीछे हुई है, तो ओवरऑल इतने से ज़्यादा पीछे नहीं होगी, बट 100 किलोमीटर तक का जो सफ़र है मैं आराम से उसमें कर सकता हूँ ट्रैवल, छोटे बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हो गई पूरी कम्प्लीटली बात, चलते हैं इसके बाहर, क्या क्या आपको इसके इंजन डायमेंशन देखने को मिलते हैं। इसके बाहर आ चुके हैं, बात किया है इसके ओवरऑल जो कम्प्लीटली इंजन है क्या ट्यून किया गया, जो इसका नया इंजन दिया आपको गया है, कम्प्लीटली इसके इंजन की बात की है तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कम्प्लीटली, जो कि आपको 1462 सीसी का देखने को मिलता है। पावर की बात किया तो पहले 103 मिलती थी, अब थोड़ी कम की गई 2 BHP की, जो कि 101 BHP कर दी गई है, और आपका टॉर्क जो है 136 NM के अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि आपको कम्प्लीटली ये पावर जनरेट करके देता है। एंड एवरेज की बात किया जो एनहेंस किया गया है 20.51 की एवरेज आपको क्लेम की गई कंपनी की तरफ से, जो कि एक्चुअली में निकाल के देती है, जो काफ़ी अच्छा एवरेज का रेशियो कर दिया गया पेट्रोल में, तो इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया, और बाकी पीछे आपको माइक्रो हाइब्रिड भी देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें इंजन इस बार दिया गया है। ये हो गया इसका ओवरऑल रिव्यू, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।